सर कभी हाई एक्सरसाइज करने पे लोगों को चक्कर क्यों आता है? ये डिपेंड करता है सृजल, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक्सरसाइज गलत कर लेते हैं ना और एनर्जी नहीं मिल पाती पूरी तरीके से। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि एनर्जी ठीक तरीके से ना मिलना, है ना। कई लोग होते हैं कि भाई कुछ खाया पिया है नहीं ठीक से और वर्कआउट करने लगे, तो एनर्जी ना मिलने से भी चक्कर आ जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से, या कई बार गलत एक्सरसाइज लगाने से तो जान तक चली जाती है, ठीक है, या ऑर्गन्स को उस तरह से पंप। अब आजकल आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ जाते हैं, तो एक्सरसाइज करते हुए आजकल हार्ट अटैक आने का कारण ये है कि लोग पता है क्या करते हैं, लोग आजकल, मैं यंगस्टर को बता रहा हूँ स्पेशली, वो क्या करते हैं कि जाते ही सीधा भाई साहब पहुंचे एकदम जिम में और एकदम ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर दिया, वार्म अप नहीं करते ठीक से। द पॉइंट इज दैट कि वो ठीक से वार्म अप नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक से वार्म अप करें तो ये नौबत ना आए। अब जाते ही आप सीधा ट्रेडमिल पे कूद जाओ, जाते ही आप सीधा हैवी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दो, अभी अपने ऑर्गन्स को, अपनी मसल्स को आपने अभी वार्म अप किया नहीं और जाते ही सीधा कूद जाओगे तो भाई हार्ट अटैक ही आएंगे, फिर तुम्हें चक्कर ही आएंगे सीधा। आज इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल इवन डाइट का भी, अब लोग खाते खाते जा रहे हैं जिम में, खाते खाते जा रहे हैं जिम में। एक्चुअल में मैंने देखा है अक्सर जिम में कि आ रहे लड़के और बनाना खाते हुए आ रहे आराम से, और आते ही बस इधर बनाना खत्म हुआ उधर उनकी एक्सरसाइज शुरू हो गई। अभी उसे डाइजेस्ट करने का मौका तो दो, तभी तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी तुम्हें मिली नहीं और तुम एक्सरसाइज करने चले गए, फिर तो तुम बेहोशी हो गए ना। यू जस्ट हैव टू टेक मील एटलीस्ट बिफोर 40 मिनट्स फ्रॉम योर वर्कआउट टाइम, तभी तो उसको डाइजेशन का समय मिलेगा। अगर आपने कोई लाइट फूड लिया, अगर हैवी फूड लिया है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय, अगर हैवी फूड लिया कम से कम 1.5 घंटा। हाँ बनाना बनाना खा रहे हो यार, कुछ उसको 40 मिनट का टाइम तो दो, उससे न्यूट्रिएंट निकले तो सही, एनर्जी तो मिले।